किसी चीज़ पे मन के चलेगा, पढ़ाई में मतलब विश्वास ही उड़ गया इस चीज़ पर, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं सर। गड़बड़ी यही हो गया कि कम नंबर वालों को उठा लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को अनसुना कर रहे हैं और सब आज ये प्रण लेके आए हैं कि करप्शन मिटा के रहेंगे। आज अगर हमारी बात मानी नहीं गई तो आज हम आमरण अनशन में बैठने वाले हैं। आप लोगों के द्वारा बीच सड़क पर जाम लगाकर आवागमन बाधित किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान दें। अब तो आप लोग को दिखेगा और आपके चैनल के माध्यम से दिखेगा कि हम लोग को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। हम लोग अभी बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण से, और लास्ट में अगर बहुत ज्यादा इन लोग रोक ही देगा तो हम लोग जाएंगे, तो भी जाएंगे हम लोग। आज पुलिस हम लोग बोल रहा है कि लाठी कर करेंगे, हम लोग खड़ा, आप गोली चलाइए। अभी जो आपने ये तख्ती देखा, ये जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा निर्मित तख्ती है और ये आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए बापू वाटिका के समक्ष एकत्र हुए हैं, जहां आप देख सकते होंगे इनकी संख्या। ये एक मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं जिनकी लंबाई आपको 50 से 100 मीटर तक की दिखाई देगी और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों से आज राजधानी रांची के बापू वाटिका पहुंचे हैं और सीएम आवास घेराव करने की तैयारी है। ये देख सकते होंगे ये अभ्यर्थी है और पीछे आप मेरे देख सकते होंगे ये बापू वाटिका है और यहीं पे जो है अभ्यर्थी जमा हुए हैं और सीएम आवास की घेराव करने की तैयारी की जा रही है। आप देखेंगे हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, संयोग साबित हुआ प्रयोग। और ये जो है अमिताभ चौधरी की तस्वीर देखेंगे और उसमें जो विरोध का एक तरीका होता है जिसमें लिखा हुआ है सुनो चौधरी कब तक हमसे टकराओगे, या तो झुकोगे या मिट जाओगे, इस तरह की बहुत सारी लाइंस जो है तख्तियों के माध्यम से लिखा गया है और सरकार को अपनी बातें पहुंचाई जा रही है इसी तख्ती के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुंचे और सरकार या फिर जेपीएससी संज्ञान लेते हुए पीटी परीक्षा रद्द करे। और उसी को देखते हुए क्योंकि लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार या फिर जेपीएससी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है ताकि जो छात्र हैं ये शांत हो और अपना आंदोलन ख़त्म करे। इसी को लेकर जो है आज अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने के लिए लिखे हैं, निकले हुए हैं। आप देख सकते होंगे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी रांची के मोराबादी का, जहां ये अभ्यर्थी हैं एकत्र हुए हैं और सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। काफ़ी संख्या में ये पहुँचे हुए हैं और विभिन्न तरीका है, देख सकते होंगे। एक टेम्प्ररी साउंड जो होता है, टेम्प्ररी साउंड जो है ये टेम्प्ररी साउंड देख सकते होंगे, ये अपने आप में ये अनोखा तरीका है, हाथ में लिए हुए हैं जो हम लोग चोंगा बोलते हैं एक देसी लैंग्वेज में, ये चोंगा है। और इसी तरीके से बहुत सारे आगे भी साउंड बॉक्स लगाया गया है, तरीका है, इस तरह का विजुअल जो है आपको कम ही देखने को मिलेगा आंदोलन में। ये खुद अपने आप को ही साउंड बॉक्स का एक रूप दिए हुए हैं और अनोखा विरोध इसे बिल्कुल कहा जा सकता है। ये तस्वीरें जो है आप देखेंगे एक और साउंड बॉक्स रखा गया है, ये आपको सूटकेस की तरह नजर आएगा ये साउंड बॉक्स। देखिए तरीका जो है कि विरोध में किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, किस तरह से नए नए प्रयोग का सहारा लिया जाता है, ये आप जीता जागता नमूना देख सकते हो। ये आपको अगर पीछे से देखेंगे तो आपको सूटकेस की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअल में साउंड बॉक्स है और इसी साउंड बॉक्स से ये अपनी बातों को अभ्यर्थियों के जितनी भी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, सरकार तक रखना चाह रहे हैं और नए नए तरीका लेकर पहुंचे हुए हैं। तख्तियों में भी आप देखेंगे विभिन्न तरह के नारे लिखे गए हैं, आपकी बात रहेंगे, बहुत प्रकार से 7th जेपीएससी पीटी रद्द करो, इस तरह के बहुत सारे नारे लिखे गए हैं। और क्या बातें जो है पहुंचाना चाह रहे हैं आज के आंदोलन के माध्यम से? सर हम लोग को जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। एक ही गलत सब पास किया है, फेल किया है, ठीक है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। आपका अनुशासन और आपका धैर्य, इसी मांग को लिए लेकर हम लोग मुख्यमंत्री पास जा रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कहाँ से आए? हम रांची से ही है। रांची से है? कुछ और भी जो आप कहाँ रांची से ही है?
स्पेशली आज के लिए पहुंचे हुए हैं? कल से ही आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि पारदर्शी होना चाहिए जो भी हो रहा है यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट पे विश्वास बना रहे। कोई इतनी बड़ी संस्था है और विश्वास ही नहीं रहेगा तो लड़का तैयारी कैसे करेगा, किसी चीज़ पे मन कैसे लगेगा? पढ़ाई में मतलब विश्वास ही उठ गया, इस चीज़ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं सर। विश्वास ही उठ गया है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है कि विश्वास उठ गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी पीछे भी है, उससे भी हम बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जेपीएससी को वो रद्द करवाना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई है? गड़बड़ी बहुत हो गई है। आगे जा रहे हैं सर। अभी कहाँ रहते हैं आप? रांची के रहने वाले हैं? क्या कर रहने वाले? हम लातेहार डिस्ट्रिक्ट से हैं, पढ़ाई करते हैं रांची में। अच्छा, दिया था आपने? हाँ, हमने तो दिया था। क्या गड़बड़ी दिखी आपको? गड़बड़ी यही हो गया कि कम नंबर वालों को उठा लिया है और जिसका ज़्यादा है वो नहीं हुआ पास। चलिए, तो ये है इनका कहना कि कम नंबर वाले लोगों को उठा लिया गया है और जिनका अधिक नंबर है उन्हें फेल कर दिया गया है। ये देखिए, कुछ और लोग भी हैं जो अपना बनाकर यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। क्या बात रखना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी अभ्यर्थियों का जो है मांग, जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा को रद्द करें। इसमें बहुत भारी अनियमितता बरती गई है। सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थे और इसी के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट आज 46वें दिन कर रहे हैं और सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को अनसुना कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 23 नवंबर को पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज करवाया गया हम लोगों पर और FIR दर्ज 24 घंटे बाद करी गई। यह कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की मनमानी, तानाशाही और धनिक तंत्र ये सब दिखाई दे रहा है, कुलीन तंत्र दिखाई दे रहा है, राजशाही दिखाई दे रहा है। यह हम सबको आवाज़ दबाने का कार्य किया जा रहा है। झारखंड में इस तरह का पहली बार झारखंड सरकार के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है। हम सभी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए में सीट बेचे जा रहे हैं। 4 जेपीएससी का परीक्षा, पिछले 6ठी जेपीएससी में 326 सीट पर बहाली निकली थी और इस बार 4 जेपीएससी मिलाकर मात्र 252 सीट पर बहाली निकाली गई और इस पर भी अमिताभ चौधरी ने सारे सीट को बेच दिए हैं। अमिताभ चौधरी से हम लोगों का मांग है कि आप जेपीएससी पीटी पर पहले तो प्रमाण मांगते थे कि हमारे अनियमितता के खिलाफ प्रमाण दीजिए। हम लोगों ने अब अनियमितता के खिलाफ प्रमाण दे चुके हैं और अब उनको जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करना चाहिए। लेकिन सरकार की दोहरी नीति है कि जब जब हम लोग सीएम आवास घेरने के लिए 10 दिन पहले जब सूचित कर चुके हैं, तब ये सीएम साहब जो हैं हम लोगों के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए धारा 144 का हवाला देते हैं। और पीसफुल प्रोटेस्टर्स आ रहे थे टोल प्लाजा के पास, उनको रोक दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार अब हम लोगों से डर चुकी है, इसीलिए हम लोगों को आवाज़ को दबाना चाहती है और भ्रष्टाचार कायम रखना चाहती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मुख्य मांगे हैं पीटी परीक्षा रद्द हो, यही इनकी मुख्य मांगे हैं। इनका कहना है कि आज जो आंदोलन इनका पहले से तय था, उसके लिए विभिन्न जिलों से बसों के माध्यम से अभ्यर्थी रांची पहुंच रहे थे और टोल प्लाजा जहां होता है वहां पर इनकी बसों को रोक दिया गया, उन्हें आगे रांची पहुंचने नहीं दिया गया और उन्हें वहीं से, बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वहीं से अपने जिले लौट गए क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि वो जो है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें नहीं आने दिया गया, जिस वजह से संख्या जो है आज के आंदोलन का कम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो तस्वीर से, अब जो है सीएम आवास की तरफ ये कूच कर चुके हैं। आगे आपको भीड़ दिखाई देगी जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या आपको काफ़ी मात्रा में दिखाई देगी, जहां जो है अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। ये जो इस आंदोलन को एक तरह से धारदार बनाने की कोशिश की गई थी, इसके तहत बहुत सारे अभ्यर्थी आज यहाँ पहुँचे हैं और सीएम आवास घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। कहकशा भी जो है अभ्यर्थी यहाँ साथ में है, इस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और नेतृत्व भी कर चुकी हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। कहकशा
आज का आंदोलन जो है आप लोग का पहले से पूर्व नियोजित था। अब अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग जो विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे थे उन्हें टोल प्लाजा के पास ही रोक दिया गया, क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। यही समझ में आ रहा है कि सरकार कितना ज़्यादा डर गई है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना डर गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी उतना ही संलिप्त है, उतना ही इन्वॉल्व है इस करप्शन में। और हमें इस करप्शन को मिटाना है, चाहे जैसे भी हो। वो वहाँ रुके तो उससे क्या हो गया, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, सब यही ग्रीवेंस लेके बैठे हैं और सबको ये पता है कि करप्शन हुआ, और सब आज ये प्रण लेके आए हैं कि करप्शन मिटा के रहेंगे। आज अगर हमारी बात मानी नहीं गई तो आज हम आमरण अनशन में बैठने वाले हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आमरण अनशन में बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आइएगा, हमारा साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा, और इस देश का भविष्य और इस राज्य का भविष्य सुधारिएगा। अभ्यर्थी को रोका गया, वो लौट गए या फिर? हाँ, वो लौट गए हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस जो एस्कॉर्ट करके वापस हजारीबाग भेज दी। रामगढ़ से आ रहे थे, वहाँ पे एस्कॉर्ट करके वापस भेज दी। ये बहुत ही निंदनीय है, कंडेमनेबल है। राइट टू फ्रीडम, जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो तक रोका गया है। आप बताइए, फंडामेंटल राइट कर्व किया जाता है। हम ऐसे स्टेट में रहते हैं, हमारी जंग इसी के खिलाफ है, इसी स्टेट के खिलाफ है, इसी तरह की व्यवस्था के खिलाफ है। जी, सिर्फ हजारीबाग से आ रहे थे कि और भी जिले? रामगढ़ से भी आ रहे थे, हजारीबाग से भी आ रहे थे। दो जगह से अभी तक हमें सूचना है कि दो जगह जो है बसों को रोका गया है। और जिलों से आ रहे हैं यहाँ पे? जी जी, आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अभी एक आध घंटे में और भी लोग आएंगे। और आप देखिए, ये भीड़ कितनी बड़ी होने वाली है, ये जमात कितनी लंबी होने वाली है। और आज फैसला आर्या पार का होने वाला है। फैसला आर्या पार का आज होने वाला, ऐसा कहना है कहकशा कमाल का। विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे थे, जिनमें कहकशा ने बताया कि रामगढ़ और हजारीबाग से पहुंचने वाले थे, लेकिन टोल प्लाजा के पास ही पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया, और रोकने के बाद स्कॉट करके उन्हें वापस हजारीबाग और रामगढ़ जिला भेज दिया गया। ये ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। हालांकि अगर बात करें आज के आंदोलन की, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान से, जहां पर शिबू सोरेन की आवाज़ से पहले यहां पे अभ्यर्थी जो है पहुंचे हुए हैं, और आंदोलन जो आगे बढ़ते हुए अब जो है यहां पे पहुंच चुका है। और यहां पे जो अभ्यर्थी है बैठे हुए दिखाई देंगे, यहां बैठ गए हैं, और यहां से आगे और कुछ करेंगे। और दूसरी ओर हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पे जैसे पुलिस प्रशासन और छात्र जो है आमने सामने हो गए हैं, और यहाँ पर जो है अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं और बातें अपना रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको लाइव जोड़ रहे हैं मोराबादी, रांची के मोराबादी मैदान से। देख सकते हैं आप जो है, ये मनोज यादव छात्र नेता है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हम आपको लाइव जोड़ते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज जी, आज आप लोगों को बहुत सारे लोग पहुंचे, तो अच्छा ठीक है। मनोज जी लगे हुए इस आंदोलन की तैयारी में पूरी तरह से, हम कुछ देर बाद भी उनसे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइट तस्वीरें, जो मंजीरा लेकर पहुंचे हुए हैं अपना विरोध को नए तरीके से पेश करने का, और जो हाथ में जो तख्ती होता है वो तख्ती लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अभी जो है सड़क पर ही बैठ गए हैं, सड़क पर ही बैठ कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। देखिए आप अभ्यर्थियों, पीछे जो है लंबी लाइन दिखाई देगी, ये अभ्यर्थियों की लंबी लाइन है जो आज इस महाआंदोलन में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं, अपना आंदोलन को मजबूत करने के लिए इस मोराबादी मैदान में और अपनी बातों को रख रहे हैं। आप देख सकते होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, बातों को लेकर काफी संख्या है जो आपको पीछे दिखाई दे। एक जगह दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी पूरी तैयारी में है और बैरिकेडिंग लगाया गया है। आप देख सकते हो विभिन्न थानों के जो थाना अध्यक्ष होते हैं, थाना प्रभारी, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर बैरिकेडिंग का 2 से 3 लेयर बनाया गया है। ये आप देख सकते होंगे 1, 2, 3, ये 3 लेयर बनाया गया है बैरिकेडिंग का, ताकि जो अभ्यर्थी जो है वो आगे पार ना कर पाए, उन्हें यहीं पर रोक दिया जाए। इसलिए यहाँ पर जो है ये पूरे बैरिकेडिंग को लगाया गया, और एक और जो अभ्यर्थी है और दूसरी ओर एक और अभ्यर्थी है और दूसरी ओर पूरे पुलिस प्रशासन है, एक तरफ थाना प्रभारी और DSP तक को लगाया गया है। आप देख सकते होंगे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मोराबादी मैदान से ठीक नज़दीक बापू वाटिया के ठीक पास और शिबू सोरेन आवास के पास ये अभ्यर्थी जो है सड़कों पर बैठ गए हैं और बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हेलो हेलो, अमिताभ चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो,
चलिए, तो लगातार नारेबाजी की जा रही है। अब छात्र नेता जो है मनोज यादव यहाँ पहुँच गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, अब यहाँ से कहाँ जाए, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। हम लोग आगे जाने के लिए आए हैं, अब जहाँ पर रोका जाएगा वहाँ पर हम लोग रुकेंगे। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन से हम लोग लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने जा रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। नहीं, यहीं पर बैठेंगे आप लोग, अभी जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाया गया है तो पिछला बार टूटा भी था। इनका कहना है कि प्रशासन जहाँ पे ले जाएगी वहीं पे जाएंगे, और ये देख सकते होंगे मंजीरा लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें रखना चाह रहे सभी लोग? बस हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है सरकार से ढोल नगाड़ के साथ लेकर अपील करना चाहते हैं कि वो इस पक्ष में छात्रों के हित में पक्ष मतलब सुनवाई करें, और जो जेपीएससी में धांधली हुआ है उसे रद्द करके दोबारा से परीक्षा लिया जाए। प्रशासन की ओर यहाँ पे बात करने की प्रयास किया, जरा हम लाइव तस्वीरें जोड़ रहे हैं। ये प्रशासन की ओर से हिदायतें दी जा रही हैं। करोगे नहीं दबेगा। आप लोगों के द्वारा बीच सड़क पर जाम लगाकर आवागमन बाधित किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान दें और कृपया आप लोग रोड को खाली कर दें। ह्यूमन जन बनाने दीजिए, आप बैरिकेडिंग हटाइए, ह्यूमन जन बनाते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में राइट ऑफ प्रोटेस्ट है हमारा। पुलिस प्रशासन द्वारा ये बोला जा रहा है कि 144 लागू किया गया और ये सड़क को खाली करने की बात की जा रही है। एक टीम बनाकर जाके वरीय पदाधिकारियों से बात करें, इस तरह रोड जाम आप लोग ना करें, इसे खाली कर दें। हम लोग रोड जाम नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाइन बना के जा रहे हैं। रोड जाम ना करे, इस तरह की बातें कही जा रही पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पुलिस प्रशासन जो है अनाउंस कर रही थी और जाम ना करने की बातें कही जा रही थी। अब दूसरे तरफ दिखाएं, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है और छात्रों और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आगे की ओर प्रस्थान करें और आगे की ओर बढ़े और अपनी बातों को रखे। ये देख सकते होंगे कि जो आप छात्र नेता वो अपनी बातों को रखने के लिए आगे पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस तरह से ये संविधान का कहा नियम है कि हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। हमारे का हमारे राज्य के मुखिया है, हमारे मिलने का अधिकार है। हम पे जो ये 45 दिन से हम लोग भोगते हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हम लोग क्या आंदोलन करते हैं? ये मुख्यमंत्री से मिलने का कहा नहीं, हम लोग का अधिकार है। आज 45 दिन हो गए, हम लोग आवेदन दे चुके हैं, हम लोग क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या हम लोग गुनाहगार है? तो बातें रखी जा रही थी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि 45 पुलिस प्रशासन की को बातें रखी जा रही थी। जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि 45 दिन हो गया इस आंदोलन का, अब सीएम एक बार भी संज्ञान नहीं लिए, कुछ भी बातें उनके सामने नहीं रखा गया, कुछ भी बातें उनसे नहीं करी गई। यही है जो है कंप्लेंट वो अभी जाहिर कर रहे थे। और लगातार जो है आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं,
रांची के मोराबादी मैदान के जो मुख्य सड़क है वहाँ पे ये अभ्यर्थी जो है सड़क पर बैठ गए हैं। ये देख सकते होंगे लाइव तस्वीरें, तख्ती लिए हुए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं और हाथों में तख्ती जो लिए हुए विभिन्न तरीके से जो इनका प्रदर्शन है वो जारी है और संख्या जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और सड़कों पर ही बैठ गए। विभिन्न जिले से जो लोग पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभ्यर्थियों से भी हम बात करते हैं और क्या कुछ कहना है उनका, उनसे हम जो पूछते हैं। लाइव तस्वीर में अपने सहयोगी कहूँगा कि ये कुछ महिला अभ्यर्थी पहुंची हुई हैं, मुंह छुपाई हुई हैं, उनसे ही बात करते हैं, कोशिश करते हैं। मैडम रईस को डाउन कर लीजिए, क्या कुछ बात रखना चाह रही हैं आप? बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? इतना दिन से तो आप ही देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसा आई थिंक झारखंड का कोई एक जनता नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और आज अब तो आप लोग को दिखेगा और आपके चैनल के माध्यम से दिखेगा कि हम लोग को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। हर बार यही होता है, आज देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार को तो हमारी सुननी चाहिए, आखिर वो बैठे क्यों है अपने सिंहासन पे, किसके लिए बैठे हैं और कौन बैठाया है उनको? हम ही लोग बैठाए हैं, हमारे लिए बैठाए हैं, उनको हमारे लिए काम करना चाहिए। देखते हैं, हम लोग तो बस देख ही सकते हैं ना, देखते हैं क्या करते हैं वो हमारे लिए। हम तो यही बोलेंगे कि देखिए सीएम साहब, आपको हम लोग बैठाए हैं, आप लोग हमारी सुनिए और हमें इंसाफ चाहिए। जेपीएससी को क्लियर कीजिए, हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, हम लोग का समय का कोई महत्व है, उस महत्व को समझिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आप मुंह क्यों छुपा रही हैं? आप तो प्रदर्शन में आई है ना, तो आपको मुखर होकर बातों को कहना होगा। आपको क्या फैमिली से डर लग रहा है? आपको क्या डर है? आपको, आप प्रदर्शन में आई हैं तो आपको मुखर होकर अपनी बातों को रखना होगा ना। क्या नाम है आपका? मुंह छुपाने से बात रख सकती हैं क्या? अगर आई है प्रदर्शन में तो आपको मुखर होकर अपनी बातों को रखना होगा ना, छिपाने से क्या होगा? बोलिए, कुछ नहीं कहना चाह रही है तो बस ठीक है। तो इनका मतलब कुछ नहीं कहना चाह रही, हालांकि प्रदर्शन में है, शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रही है। और भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये भी कहाँ से पहुंचे आप? वो क्यों छिपा रहे हैं? वो क्यों छिपा रहे हैं? डर लग रहा है? चलिए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हुए हैं धरना को समर्थन देने के लिए, इस आंदोलन से, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, मुंह छिपा कर कहीं ना कहीं बचना चाह रहे। फैमिली का डर है या फिर किसी चीज़ का डर होगा, वो उन्हें बेहतर पता होगा। आज का जो आंदोलन में शामिल होने हुए के लिए आए हुए थे आप लोग, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया, अब आगे क्या? आगे क्या जाएंगे हम लोग? मुख्यमंत्री जवाब देने से डर रहा, अकील अगर है तो जवाब दे मुख्यमंत्री को, अगर इतना ही अकील है तो जवाब दे, रुकवा क्यों रहा है? मुख्यमंत्री साला बन गया हम मुख्यमंत्री, ऐसा ऐसा हरामी लोग देश को डुबा देगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे जो चेहरे छुपाने का प्रयास कर रहे थे, और अब दूसरी तरफ जो है वो गहमागहमी जारी है। पुलिस प्रशासन और जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा लगातार गहमागहमी जारी है और अभ्यर्थी जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर बैठ गए हैं। तख्ती जो इनका जो विरोध का तरीका है, हाथों में तख्ती लेकर और विभिन्न तरीके से नारे लिखे गए हैं और उसी नारों से वो अपनी बातों को सरकार और जेपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं। कल भी जो अभ्यर्थी कुछ शामिल थे उनसे बात करते हैं। मैडम, कल आप कैंडल मार्च में पहुंची थी, आज आंदोलन में पहुंची है, अब लगातार आंदोलन में शामिल हो रही है, यहाँ पे आप लोग को रोक दिया गया है, क्या करने वाली है आगे? हम लोग अभी बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण से, अगर लास्ट में अगर बहुत ज्यादा इन लोग रोक ही देगा तो हम लोग जाएंगे, तो भी जाएंगे हम लोग। परिवार से समर्थन मिलता है आपको? फुल समर्थन मिला है। हस्बैंड मना नहीं करते कि आंदोलन में क्यों जाना, पढ़ाई करो, आंदोलन से क्या मिलेगा? नहीं, मेरे हस्बैंड खुद एक एसआई में है, वो हमको फुल परमिशन दिए कि जाओ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और हमको जॉब लेना है तो हमको तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई करती हैं आप? यस, मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा MSc फाइनल हुआ है इस बार। मतलब इसमें पति का आपका फुल समर्थन है? फुल समर्थन है। वैसी महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा जो आई हुई तो है लेकिन मुँह छिपा रही है?
क्या उन लोग को समर्थन नहीं है तो इसके लिए तो अब उन लोग तो छिपेगी ही, लेकिन छिप के भी आंदोलन कर रही है तो इससे झारखंड सरकार को तो ये होना चाहिए ना, शर्म आना चाहिए, लाज आना चाहिए उसको। तो आराम से सो रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी आराम से सो रहा है, झारखंड का युवा रो रहा है, वो सो रहा है, बोलता है पेड़ पर चढ़िए उतरिए। वो मुख्यमंत्री बना है तो पेड़ पर चढ़ा था, उतरा था पेड़ पर चढ़ के, बोलता है शारीरिक से जो मजबूत रहेगा उसी को हम जॉब देंगे। अपने देखे कुपोषण का शिकार है, अपने चढ़ रहा है पेड़ पर से उतर रहा है वो। पति का पूरा समर्थन है इस आंदोलन में, कुछ और भी महिला अभ्यर्थी यहाँ पहुंची हुई है, यहाँ पे मैडम आप लोग यहाँ रोक दिया गया है क्या, क्या कहेंगी? परिवार से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? ये बोलना नहीं चाह रही है, कुछ और भी जो है उससे हम बात कर लेते हैं। मैडम परिवार से समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन में आप लोगों को? सर इसलिए तो आ रहे हैं ना सर, झूठ बोल के नहीं ना आ रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हैं सर, उनको पता है जेपीएससी दिए हैं तो साफ है कि आंदोलन में ही जाएगी, नहीं हुआ है तो 258 नंबर लाने के बावजूद भी नहीं हुआ है तो सपोर्ट करेंगे ना सर कि हाँ जाओ आंदोलन में, बल्कि हमारे गार्जियन भी आए हुए हैं सर आज इस आंदोलन में, है ना। बहुत सारे जो महिला अभ्यर्थी पहुंची हुई हैं लेकिन मुंह छिपा कर बैठी हुई, बोलना नहीं चाह रही है, मुखर होकर बातों तो रखनी होगी ना सर। लेकिन बहुत कोई आदत होता है कि कोई बोलना नहीं चाहता है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन में आके छिपी हुई है, ये बात नहीं है सर, आंदोलन में आ गई इसका अर्थ ये हो गया कि वो सामने आना चाह रही है, भले अपना बात नहीं रखना पा रही वो बात अलग है, लेकिन वो छिपी हुई है ये बात नहीं है सर, है ना। आप क्या कहेंगे, परिवार से पूरा समर्थन मिल रहा है आंदोलन में? एक्चुअली हम जेपीएससी को प्रिपरेशन भी नहीं करते, हम तो अपनी दीदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि हम लोग जब आएंगे कंपटीशन में, ठीक है, तो हम लोग के साथ भी तो यही होगा ना, तो अभी अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे कुछ चेंजेस आएगा तब जाके हम लोग के लिए भी बेटर होगा, तो इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि आंदोलन को समर्थन कैसे देना, ये अभी एग्जाम नहीं दी थी लेकिन अभी ये तैयारी कर रही है और इनका कहना है कि अगर अभी ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में हम लोग के साथ भी हो सकता है, उन्हीं के समर्थन में यह पहुंची हुई। अच्छा, जो अभी पूरा ये वाक्या चल रहा है बहुत दिन से, 45 दिन हो गए हैं, उसको कैसे देखती हैं आप भी स्टूडेंट हैं, आप समर्थन देने के लिए पहुंची लगातार, आप उस पर नज़र बनाए रखी होंगी, तो इस आंदोलन कैसे देख रही हैं आप? तो अभी तक तो इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही है, लेकिन बात ये है कि अगर छोड़ दिया जाए, हिम्मत हार जाएगा सब कोई, तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। और सबसे बड़ा उदाहरण मिला है अभी जो फार्म बिल्स है, ठीक है, दिल्ली में जितने फार्मर्स थे सब इतने दिन से स्ट्राइक किए हुए थे, तो इतना साल वो टिके रहे तब जाके कुछ हुआ, सरकार भी झुकी, तो यहाँ भी जरूर होगा और हम लोग आगे तक जाएंगे, इस पर रुकेंगे। तब फुल समर्थन है आप लोगों का? जी पूरा समर्थन है, बहुत सारे लोग जो है जेपीएससी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन है, मेहनत करेगा तो बताइए, स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है, अब बिना एग्जाम दिया पास करा दीजिएगा तो हम लोग, आप वो चीज ना करें, हम लोग क्यों लाए थे, सरकार चेंज होगी, सिस्टम चेंज होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो और बढ़ रही है, तो आप पे कैसे हम भरोसा करें, आप हम लोग आज सरकार हम लोग से मिलना क्यों नहीं चाह रही, कहीं ना कहीं आप गलत है तभी तो नहीं मिलना चाह रहे, हम लोग जब तक नहीं मिलेंगे सर तब तक हम लोग को ऐसी एज जा रहा है, ऐसी को फायदा नहीं है, पीजी करके आदमी 27-28 साल हो गया, 30 साल हो गया है, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएं बताइए, हम लोग अभी आज अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था, उन लोग को रोक दिया गया, क्यों आदमी लोग जाएगा हंगामा करेगा, आज पुलिस हम लोग बोल रहा है कि लाठी कर करेंगे, हम लोग खड़ा है, आप गोली चलाइए, आप जो बोल रहे हैं सरकार कि आप इन लोग को लाठी से भगा, हम लोग खड़े हैं, मार के भगा दीजिए, ऐसी तो जिंदगी खराब हो ये किया, पढ़ लिखे पढ़ा लिखा स्टूडेंट हम लोग गलत नहीं चाहेंगे सर, हम लोग भी चाहते हैं कि गलत नहीं हो, पढ़ने का मतलब क्यों, आज सरकार अगर पढ़ी लिखी रहती ना सर सिस्टम चलाई, अदर स्टेट में देख लीजिए पढ़ा लिखा, आज अरविंद केजरीवाल है पढ़ा लिखा, एजुकेशन सरकार डेवलप जो केंद्र होता है स्टेट होता है वो डेवलप कैसे था, जो जुबान होता है ना सर वो पढ़ने से भी जुबान डेवलप होता है, पेन चलाना तो बहुत दूर की बात,
आप पढ़े लिखे हैं उसको आप भरिए सिस्टम को, वो करप्शन हम लोग कहीं ना कहीं, अब मान लिया कहीं जाइएगा साइन कराने वीडियो को तो 200 दीजिए, 100 रुपया दीजिए, तब काम होगा। आप बताइए हम लोग ये चीज देखते हैं, क्यों देखते हैं? हम लोग को ये चीज गलत लगता है, पढ़ा लिख के आदमी को पैसा दे रहा है। आप बताइए ये गलत है या सही, आप बताइए। यही चीज को हम लोग चाहें कि सरकार को चेंज हो, अच्छा नीति लाए, भ्रष्टाचार खत्म हो। हम लोग कहीं ना कहीं, बताइए आदमी मास्टर डिग्री, हम लोग अभी रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो 12th पास है, वो बोलते हैं कि ये बिजनेस करो, पोल्ट्री फार्म करो, ये करो। आप सजेशन मत दीजिए किसी को, हम लोग गुर्बक नहीं है, बाल उड़ने चला है, समझे ना, 25-26 साल हो गया। सजेशन मत, आपका जो काम है जिसके लिए हम लोग लाए थे वो आपका, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे हम लोग से मिलना पड़ेगा। स्टूडेंट का बहुत पावर है, 11 महीना बैठा रहा सरकार, किसान वाला सरकार झुकी कि नहीं झुकी, झुकी ना। हम लोग लाए, सरकार बड़ा नहीं होता, जनता बड़ा होता है। हम लोग अगर कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो उतार के फेंकना भी जानते हैं, इतना ताकत रखते हैं हम लोग को। आज इतना स्टूडेंट है ना, कल इससे डबल होगा, 4 गुना होगा अगर आप नहीं निकलिएगा तो। हम लोग को बात सुनना पड़ेगा आप कहीं ना कहीं, हम लोग बोलिए कहीं ना गलत है, अगर गलत रहता तो आज स्टूडेंट नहीं होता, गलत है कहीं ना तब हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे। हम आप लोग से जितना मुख्यमंत्री से यही कहना है कि हम लोग से रिक्वेस्ट है कि आपसे मिले, हम लोग को बात सुने बस। आप लोग बोल रहे थे आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब तो आप लोग को यहीं पर रोक दिया गया है, क्या कहें? जैसा मुख्यमंत्री वैसा प्रशासन का तो आदेश ही ऊपर से कि बच्चा को मिलने ही मत दो, आने ही मत दो, क्योंकि इतना बड़ा करप्शन पे हमारे मुख्यमंत्री जी 50 दिन से आवाज को चुप रखे हुए हैं। इसे साफ जाहिर होता है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। अब छात्र का नैतिकता का आप हनन करिए हैं, इससे बड़ा आपको श्राप क्या मिलेगा छात्र के लिए, जो चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ बैठ जाए। आज पे 46 दिन से भूख प्यास से तपस्या कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री सच्चे दिल के आदमी होते तो इस पे जरूर संज्ञान लेते हैं। देवेंद्र, आप लोग बोले थे आगे की ओर बढ़ेंगे, आप पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के आप लोग रोक दिया गया, क्या करेंगे? बढ़ेंगे। उन्होंने अभी रोकने का प्रयास नहीं किया था, उन्होंने सुबह से रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारे छात्र को हजारीबाग से, धनबाद से, किरीटी से, चतरा से, इधर पूरा इधर जमशेदपुर से, दुमका से, देवघर से, हर जगह से, जितना है कि इधर गुमला, लोहरदगा, खरसावां, सब जगह से रोक रहा है। फिर भी अंततः हम छात्रों ने यहाँ चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं और हम लोग को फिर रोका जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर बढ़ेंगे और हर हाल में बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। और मुख्यमंत्री कितना पुलिस आगे करेगी, पुलिस आगे कर रही है मतलब मुख्यमंत्री महोदय डर गई है। आप पुलिस को आगे करके पीछे मत भागिए, अगर है हिम्मत, अगर आप सच है तो आप हमसे बात कीजिए, फेस टू फेस में बात करना चाहता हूँ मैं, आपसे टेबल टॉक करना चाहता हूँ। अगर है हिम्मत तो आप सामने आइए, पुलिस को आगे करके भागिए मत, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का हत्या है, ये जो है कि ये संविधान के अधिकार का हनन है और छात्र इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे कि यहीं पे बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक के लिए जाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हम लोग बिल्कुल क्या कुछ होगा, हम लोग क्या निहत्ते हैं, हम लोग तो अपना हक अधिकार न्याय गुहार यात्रा में है, कुछ नहीं होगा। हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री आवास तक, हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, ऐसा देवेंद्र छात्र नेता है, उनका कहना है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मोराबादी मैदान के समक्ष स्थित, ये मुख्य सड़क है, वहाँ पर जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आप पीछे देख सकते होंगे, ये सारे लोग जो है सड़क पर ही बैठ गए हैं क्योंकि आगे उन्हें जाने के लिए मना कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। नतीजन ये यहीं पे बैठ गए हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन है यहीं पर जारी रखे हुए हैं। हम आपको लगातार अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इस पूरे आंदोलन का अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ नीरज कुमार, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।